सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपको डेल कैम के बारे में एक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ सके। फाइल में जाकर यहाँ एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं डेल कैम ने, तो वहां आपको एक कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडल है, इस मॉडल की मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका मॉडल होगा उसकी बाउंड्री लेनी पड़ती है, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक लेना पड़ता है, तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही ये आपका डेल के में ये चलता है। तो यहां से मैं पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये ब्लॉक का है, और यहां से कैलकुलेट पे मैं जैसे ही करूंगा, अब देखो ये शो नहीं हो रहा ब्लॉक, तो यहां जैसे ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो यहां से आपका ब्लॉक शो हो जाएगा। अब देखो इसकी आप शो इसको और भी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, यहां से इसकी ऑपर्चुनिटी से यहां से इसको और भी अच्छी तरह से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां से एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहां से कोऑर्डिनेट लेने होते हैं, जो भी आपके कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट में बस एक चीज का ही ध्यान रखना पड़ता है कि कोऑर्डिनेट आप अपनी वीएमसी मशीन पे किस हिसाब से आप इसके पार्ट को क्लेम कर रहे हो। तो क्लेम करने का सीधा सा है, या तो आप इसमें यहाँ सेंटर में ड्रिल करके इसको यहां से क्लेम कर लो, या फिर चारों तरफ से बाउंड्री पे यहाँ 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 चारों तरफ से क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्लेम करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ जैसे आपने सपोज करो 10 mm क्लेम किया से, तो 10 mm पर मेटेरियल आपको छोड़ देना है चारों तरफ। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आपको ब्लॉक लेना है, उस हिसाब से आपको क्लेम करना है वीएमसी मशीन पे, तो उस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो यहां से वर्क प्लान, मैं वर्क प्लान पे जाऊंगा और यूजिंग ब्लॉक पे क्लिक करके मैं यहां से इसका सेंटर ले लूंगा, जो भी ब्लॉक का सेंटर आएगा वो सेंटर पॉइंट ये रहे आपका, साइड से भी ले सकते हो लेकिन बेस्ट रहता है आपका ब्लॉक का सेंटर। ठीक है, तो हमें से याद रखना ब्लॉक के सेंटर से ही चला करो आप जब भी चलो। तो यहां जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ ब्लॉक का सेंटर इसने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं वर्क प्लान पे दोबारा जाऊंगा और यहाँ राइट क्लिक करके इसे एक्टिवेट करूंगा। अब जैसे एक्टिवेट करूंगा तो ब्लॉक हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जेड हमेशा ऊपर रहना चाहिए और एक्स और वाई की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कैसे, अगर एक्स आपका राइट हैंड पे है तो रोटरी, जो आपकी रोटरी टेबल होती है फोर्थ एक्सिस की, वो इस हैंड पे है, राइट हैंड पे है। अगर एक्स आप चेंज करोगे तो रोटरी आपकी यहां हो जाएगी। वाई आप ऐसे वाई को भी चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो, अदरवाइज ये ऐसे रहता है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ राइट क्लिक करके एडिट में जाके वर्क प्लान पे जो भी आपको अगर चेंज करना हो एक्स की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको चेंज करना हो तो एंगल आप हमेशा 90 डिग्री लोगे, 90 डिग्री ही में ही चलता है ये। जैसे एक्स में डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये आपके देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये है, जो चीज आपका कौन फिक्स है, जैसे जेड मेरा फिक्स है, जेड की डायरेक्शन मुझे चेंज नहीं करनी, तो जेड के अपोजिट ही आपको घुमाना होगा। तो जेड पे जैसे क्लिक करोगे तो एक्स और वाई ही आपके डिस्टर्ब होंगे, जेड आपकी उसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो मेरी रोटरी टेबल राइट हैंड पे है तो उस हिसाब से मैंने एक्स की डायरेक्शन राइट हैंड पे ले ली, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसका जो ब्लॉक है उसे दोबारा आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ ब्लॉक पे जाओगे कैलकुलेट करोगे तो अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, पोजीशन में आने के बाद एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, अब आपके पास जो बड़ा सा बड़ा एनविल हो उससे आप पहले रफ रफ कर लो। बड़ा सा मतलब है 25 का कटर हो, इंसर्ट वाला कटर हो उससे कर सकते हो, 30 का कटर हो उससे कर सकते हो, आपके पास जो भी बड़ा से बड़ा कटर हो वो यूज ले सकते हो। तो मेरे पास इंसर्ट का एक कटर है वो 25 का है, तो यहां से मैं ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल पर क्लिक करूंगा और 25 का कटर से मैं इसको रफ रफ क्लीन कर दूंगा। तो यहां से मैंने 25 का एंडमेल लिया क्लोज, और उसके बाद यहाँ टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस आप अभी तो इतनी रहने दो, जब अपन फिनिश करेंगे तब इसकी टॉलरेंस कम कर देंगे। तो एक्सेप्ट किया, और इसमें थिकनेस जो आप रखोगे वो
5 रख दो ताकि जो छोटा एंड भी लोग है वो फिनिश करता हो चल जाए। आप इसको कम भी कर सकते हो, 0.3 भी ले सकते हो, ठीक है 0.5 भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। यार मैंने 0.3 ले लिया इसको, ठीक है। स्टेप ओवर और स्टेप डाउन क्या होता है वो चीज समझिए। स्टेप ओवर वो होता है एक एंड मिल, जब एंड मिल फर्स्ट टाइम चलता है उसके बाद जब वो दूसरा कट लेगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी सेंटर टू सेंटर वो कितना शिफ्ट होगा, वो स्टेप ओवर होता है। तो वो आप टूल का 50 से 70% के बीच में लेके चलिया करो। तो मेरा 25 का टूल है तो इसका 50% 12.5 होता है, ठीक है। तो यहां मैं 15 ले लेता हूँ इसका स्टेप ओवर, ठीक है। यहां मैंने 15 ले लिया। स्टेप डाउन आपको डेप्थ ऑफ कट कितनी देनी है, मतलब पहली बार जब आपका टूल हिट करेगा कंपोनेंट पे तो वो पहला कट कितना एमएम का लेगा, तो वो है आपका स्टेप डाउन। तो 25 का है तो 25 का है तो आराम से 0.3 का कट ले लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है आपका मेटल कौन सा है, अगर मेटल हार्ड है तो 0.2, मेटल सॉफ्ट है एल्यूमिनियम जैसे है तो 0.7 तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन फ्लैट ये ऑफ कर दोगे आप, कट डायरेक्शन एनी कर दोगे और कट डायरेक्शन यहाँ पे भी एनी कर दोगे, ठीक है। अगर आपको इस कंपोनेंट से बाहर भी टूल चलाना है, टूल रन करना है बाहर भी, तो आप इनको सेलेक्ट यस से रहने दोगे। अगर नहीं चलाना है तो इन दोनों को ऑफ कर दोगे यहाँ से, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ सीधा इसको अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद आपका टूल पाथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने अप्लाई किया, ये 25 का एंड मिल अपना टूल पाथ क्रिएट कर दिया। देखिए ये 25 का एंड मिल आपने जो जो ये कट लेगा वो पूरे कंपोनेंट पे चल जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। अब इसके थोड़ी सेटिंग और करनी होती है। सेटिंग है क्या है, तो आपके टूल की हाइट है ये बड़ी है तो इसको छोटी कर लीजिए, यहाँ से रैपिड मूव हाइट्स, यहाँ से वर्क प्लान पहला है रिसेट करिए, अप्लाई कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, तो आपकी हाइट्स देखो कम हो गई, ठीक है। और लीड इन लिंक्स ये भी आप सही कर लीजिए, यहाँ से लिंक्स पे क्लिक करोगे यहाँ से स्कीम स्कीम और अप्लाई कर दोगे, देखिए लीड इन लिंक्स आपके सारे सही हो गए, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ से अपना कमांड गायब हो चुका है तो टूल पाथ पे क्लिक कीजिए सिमुलेशन पे, और यहाँ से टूल पाथ भी ले लीजिए, ठीक है। तो अपना एक नंबर टूल पाथ है, व्यू व्हील भी आप ऑन कर लीजिए, इसे हटा दीजिए एक एक सेकंड के लिए ये लेके, और यहाँ रेनबो शेडेड कर दोगे, ठीक है। अब इसको रन करके देख लीजिए, इस तरह से आपका टूल पाथ काटेगा। अब ये सब होने के बाद आपको अब एक लास्ट फिनिश कट चलाना है, जो आपके पास छोटा छोटा एंड बिल हो जो इसमें यूज हो वो एंड बिल आप यूज लेके चला सकते हो। अब देखना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम कौन सा टूल एंड बिल अपना यूज ले सकते हो, उसके बाद लास्ट में एक बोन लो चला दीजिए पूरे प्रोफाइल पे, ठीक है। तो अभी ये 25 का एंड बिल चल रहा है,
अब ये चलने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है, 25 कैंडल पूरा अपनी प्रोफाइल पे चल चुका है। अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास एंडविल हो छोटा से छोटा, वो आप यूज ले सकते हो। देखो अब एंडविल कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपके पास कोई समस्या भी नहीं आए और सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं टूल पाथ को यहाँ से हल्का सा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छा समझ में आ सके। देखिए ये जो आपकी केविटी है, सबसे छोटी केविटी आपको शायद यही दिख रही होगी, तो इस केविटी के अकॉर्डिंग आप टूल अपना एंड मिल है जो सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ इसकी मिनिमम क्या आती है, तो यहाँ से लाइन ले लीजिए, लाइन से पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट करके देख लीजिए। यहाँ मुझे छोटा दिख रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक की लंबाई क्या होगी, यह है आपका डिस्टेंस 14 का। तो आपके पास अगर 12 का एंडमिल भी होगा और 14 का एंडमिल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चल जाएगा इसमें। तो यहाँ मैं 12 का एंडमिल यूज ले रहा हूँ फिनिश के लिए। तो दोबारा इसमें ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल पे जाओगे आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। टूल पाथ आप लोगों यहाँ से 12 का एंडमिल ले लिया, ठीक है। टॉलरेंस अब आप यहाँ माइक्रोन में रखोगे, 10 माइक्रोन की टॉलरेंस है। अगर आप ज्यादा लोगे तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, इसलिए 10 माइक्रोन के अंदर इसे चल रहा दीजिए। टॉलरेंस यहाँ पे भी 10 माइक्रोन। अब जो थिकनेस आपने 0.3 की दी थी, अब यहाँ आप कर दीजिए 50 माइक्रोन। ये 50 माइक्रोन इसलिए है, जब आपका बोन लॉज चलेगा 50 माइक्रोन का ही माल बचेगा, 50 माइक्रोन आपका बोन लॉज पूरा क्लीन कर देगा, ठीक है। अब 12 का है तो स्टेप ओवर में इसको 6 mm ले लेता हूँ, ठीक है। स्टेप डाउन आराम से 0.2 ले लेगा, ठीक है। और आपको और कुछ नहीं छेड़नी, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, रेस्ट मशीनिंग आपको ऑन करनी है। रेस्ट मशीनिंग का मतलब क्या है, आपने जो पहले पुराना वाला टूल पाथ लिया है उसी पे ही ये चलेगा। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो पूरे टूल पाथ पे चलेगा, यानी शुरू से चलेगा। तो रेस्ट मशीनिंग में क्या होगा, जहां जहां आपका मटेरियल बच रहा है सिर्फ वहां वहां आपका टूल पाथ टूल चलेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने फर्स्ट लिया, ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद अब आपका जहां जहां मेटेरियल रह गया है सिर्फ वहां वहां आपका एंडमिल चलेगा। ये देखिए सिर्फ, अब देखिए यहाँ सिर्फ यहाँ, क्योंकि अपने 0.3 की थिकनेस रखी थी तो ये यहाँ चला है, पूरे प्रोफाइल पे यहाँ भी चला है, सब जगह चला है लगभग लगभग, क्योंकि अपने 0.3 की अपने थिकनेस में छोड़ी थी। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं यहाँ से, सेकंड नंबर इसको रन करके देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर यहाँ से टूल पाथ सेकंड नंबर चेंज करोगे, एक नंबर चला लो उसके बाद दो नंबर चला लो, तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर टूल पाथ अपन इतने सारे क्यों ले रहे हैं। रफ और फिनिशिंग का यही एक मतलब है। अब इसके बाद एक लास्ट अपन जो चलाएंगे वो बोन लॉज चलाएंगे, बोन लॉज में आपका पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ आपका 25 का एंडमिल चल चुका है, 25 का एंडमिल चलने के बाद अब आप 12 का एंडमिल चला के देखोगे। यहाँ से 12 का एंडमिल यूज लिया, ऐसे रन करके देखो। ये देखिए ये अंदर से इसने इसकी जो थिकनेस बची थी 0.3 की वो साफ करता चल रहा है, पूरा क्लीन करता हुआ निकलेगा ये। उसके बाद आपको लास्ट में सिर्फ बोन लॉज चलाना है, बोन लॉज चलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका कंप्लीट हो चुका है ये सारी चीजें। ये देखिए स्टेप भी हटाता जा रहा है, ये कट लिया इसने, ये 50 माइक्रोन और इसने छोड़ दिया है। तो 50 माइक्रोन बाद अपने बोन लॉज चलाएंगे तो बोन लॉज में सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका। ये हो चुका है, ठीक है। अब अपन को सिर्फ लास्ट में एक बोन लॉज यूज लेना है। बोन लॉज के लिए आपको एक टेस्ट ड्रिल लेनी पड़ेगी, यहाँ से
ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग, ठीक है। अब आपके पास जो बोनलोज हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, 6 का 5 का जो भी आपके पास बोनलोज हो, वो आप यहाँ से यूज ले सकते हो। तो मेरे पास 5 का बोनलोज है, 5 का बोनलोज लिया, ओके। टॉलरेंस यहाँ 10 माइक्रोन, 0.01, 0.01 एसएफ, और यहाँ थिकनेस 0 रखेंगे क्योंकि अब यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं चाहिए। स्टेप ओवर, अब स्टेप ओवर बोनलोज चलना है तो बोनलोज के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 के एंडमिल का नीचे का जो रेडियस होती है वो 2.5 mm के आसपास होती है, ठीक है। तो उसका जो निप होता है, मतलब 1 mm का आसपास आप स्टेप ओवर ले सकते हो उसमें। और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो 0.5 ले लो, वो मतलब 0.1 ले लो, और माइक्रोन में ले लो 50 माइक्रोन। अगर 50 माइक्रोन लोगे तो सुपर फिनिशिंग आएगी, और इससे कम करोगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फिनिशिंग और अच्छी आएगी। तो मैं 50 माइक्रोन यहाँ ले लेता हूँ, स्पायरल कर लेता हूँ, ठीक है। कट डायरेक्शन एनी, और यहाँ से लीड इन लिंक्स ये मैंने सही कर लेता हूँ, यहाँ से इसको रख लेता हूँ ऑन सरफेस, स्कीम और सेव, अप्लाई किया एसएफ, और यहाँ से अप्लाई किया। अब इस पूरे कंपोनेंट पे आपका बोन लॉस चल जाएगा, ये देखिए। तो देखिए पूरा टूल पाथ यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सुपर फिनिशिंग आएगी आपकी, ठीक है। इसको चलाने के बाद आपका कंपोनेंट तैयार है, आप अपनी इस कंपोनेंट को वीएमसी से उतार सकते हो, ठीक है। इसको सिमुलेशन भी करके दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको रन कीजिए, पहले टूल पाथ चला लीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोग्रामिंग में क्या क्या कमी है। वैसे टूल एंड बोलो चलने के बाद कोई कमी नहीं रहती, कंप्लीट फिनिशिंग हो जाता है आपका। फिर भी अगर आपका कुछ ज्यादा जा रेडियस छोटी रह जाती है तो आप छोटा बोलो यूज लेके उसको चला सकते हो, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर हम आप अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, अगर हमारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी जुड़ सकते हो। अगर आपको डेल कैम, सॉलिड वर्क या ऑटोकैड या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे नंबर नोट कर लीजिए आप, 9785415921। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। मेरा बैच स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 7 से 9, और इवनिंग में भी 7 से 9 मेरा बैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप जो भी आप सीखना चाहते हो, जयपुर मेरी ब्रांच है, वहां आके आप सीख सकते हो। फुल ट्रेनिंग है विद मशीनिंग, आप मशीन पे भी प्रैक्टिकल करके, पहले थ्योरी चलती है, थ्योरी के बाद लास्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपको बीएमसी और सीएनसी और एचएमसी, 3 मशीन है मेरे पास, तो तीनों पे आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा जो आप कोर्स सीखना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।